टाइप के हो एन टाइप के यहां पर डिप्लीशियल लेयर पर डिप्लीशियल लेयर के पास पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल में तो जब भी एन जंक्शन डायो फॉरवर्ड वाइज को देंगे पॉजिटिव एंड को तो पी टाइप के होल्स एन टाइप की तरफ एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ पोटेंशियल बैरियर होगा
then PN junction, diode is forward bias. When PN junction diode is forward. Potential barrier, potential barrier क्या है? Depletion layer के across potential barrier is this small. चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप एंड होल्स ऑफ पी शुरुआत कर देते हैं जंक्शन को क्रॉस इलेक्ट्रॉन होल पर फॉल करते और रिकम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन्स फॉल ऑन द एंड रिकम्बिनेशन रिकम्बिनेशन होल नहीं फॉल कर जाता होल की मोबिलिटी कम होती है तो इधर से होल चलेंगे इधर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे होल जंक्शन को क्रॉस कर पाए उससे पहले और रिकम्बिनेशन होगा और रिकम्बिनेशन में जो बनाने में एनर्जी लगी उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस ठीक है तो देखिए definite amount of energy is produced. Definite amount of energy is produced. Required to generate इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने में जो एनर्जी लगी उतनी एनर्जी पड़ी generate electrical
बराबर एच यू एनर्जी रिक्वायर्ड टू जनरेट इलेक्ट्रॉन, सी बराबर तो ईजी बराबर एच सी एम, तो लैम्डा बराबर एच सी एम, लैम्डा बराबर एच सी एम। ये देखिए लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, सी बराबर नहीं ना न्यूटन का स्पीड ऑफ लाइट, तो न्यू बराबर सी अपॉन एल, ईजी बराबर एच सी, लैम्डा बराबर एच सी अपॉन। ये है एलईडी, एलईडी जो है ये स्पेशल वेव विशेष तौर पे बना हुआ फॉरवर्ड बाइपोलर जंक्शन डायोड, विशेष तौर पे बना हुआ फॉरवर्ड बाइपोलर जंक्शन। एलईडी एमिट्स विजुअल लाइट, एलईडी विजुअल लाइट एमिट करता है व्हेन एनर्जाइज, जब एनर्जाइज। देखिए पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस लेते हैं, देन पोटेंशियल बैरियर इज लोअर, तो जो डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस पोटेंशियल है वो लोअर होता है, वेरी लोअर। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप एंड होल्स ऑफ पी टाइप स्टार्ट क्रॉसिंग द जंक्शन, शुरुआत कर देते हैं जंक्शन। इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन द होल, होल नहीं फॉल करता, इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन हुआ तो एनर्जी बाई इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन किया, तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होल बनाने में लगी उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होती, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने में जो एनर्जी लगी उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस। वेल पी एन जंक्शन डायोड इसलिए देखिए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जनरेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं बराबर एच यू, ईजी बराबर है आपका एच यू, ईजी बराबर है एच यू, सी बराबर है न्यू लैम्डा, तो न्यू बराबर है सी अपॉन लैम्डा, रख दिया ए जी बराबर एच सी अपॉन लैम्डा।
लैम्डा बराबर एच सी अपॉन एच जी, ये एनर्जी प्रोड्यूस। ठीक है, एक बार देख लीजिए, लाइट एमिटिंग डायोड, दो तीन थियोरिकल टॉपिक है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिट करने वाले डायोड, एलईडी। अब एलईडी तुम्हारी ये सब एलईडी ट्यूबलाइट एलईडी। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड, सिंबल भी वैसा ही होता है। एलईडी एमिट्स विजिबल लाइट, एलईडी विजिबल लाइट एमिट करती है जब एनर्जाइज होती है, व्हेन एनर्जाइज। ठीक है, ये है आपका पी टाइप, ये है एन टाइप। फॉरवर्ड वाइज करोगे तो डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस ये डिप्लीशन लेयर होती है, पी टाइप में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में क्या होते हैं जंक्शन पर कनेक्ट, ये जंक्शन पर कनेक्ट, और एक ये जंक्शन पर कनेक्ट, और एक लेयर पर, उस लेयर को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवक्षेप, एक डिप्लीशियल लेयर। ठीक है, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड वाइज देन पोटेंशियल बैरियर इज वेरी स्मॉल, इलेक्ट्रॉन ऑफ एन टाइप एंड होल्स ऑफ पी टाइप स्टार्ट क्रॉसिंग द जंक्शन, तो यहां से होल चलेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेंगे, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करेंगे और होल पर फॉल करेगा और रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और एक डेफिनेट एनर्जी में एनर्जी। अब कहोगे एनर्जी कितनी है, एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने में जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस रिक्वायर्ड टू जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ई जी बराबर एच यू, सी बराबर न्यू लैम्डा, तो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो ई जी बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा बराबर एच सी अपॉन एच सी अपॉन। अब यहाँ पर किससे किससे बना पी एन जंक्शन, ये एल ई डी किससे बनी, पहली बात तो सिलिकॉन जर्मेनियम से बना, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने में एनर्जी कम लगती है, तो कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। एमिटेड लाइट इज़ एमिटेड लाइट इज़ इनसिग्निफिकेंट, एमिटेड लाइट इज इनसिग्निफिकेंट, so that LED is not formed by silicon, LED को नहीं बनाओगे silicon और germanium। ठीक है, अगर देख लो EG की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 1.1, ई जी की वैल्यू जर्मेनियम के लिए 0.7, तो आप जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में एनर्जी ही कम रिक्वायर्ड होती है तो एमिट भी कम होगी, तो वो विधवा लेकर नहीं आती,
इनसिग्निफिकेंट है। अब यही आपने गैलियम ऑक्साइड से प्रोटीन्स ऑफ गैलियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड में ईजी की वैल्यू है 1.45 इलेक्ट्रॉन, Ag की वैल्यू 1.45 इलेक्ट्रॉन, लैम्डा बराबर Hc अपॉन Eg 6.62 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से सॉल्व करिए 8500 एंगस्ट्रॉम जो कि इंफ्रारेड इंफ्रारेड से निकालो रेड और येलो, रेड और येलो
रेड कलर की और पीले कलर की लाइन, रेड और एम। अगर यही गैलियम फास्फाइड से बना दिया, तो ये रेड और ग्रीन लाइट के बीच इस एलईडी को हम ऐसे बनाते हैं कि पहले हमने सब्सट्रेट लिया, उसके ऊपर एन टाइप की लेयर बना ली, फिर हम पी टाइप की लेयर बना देते, किनारों पर मेटल रिंग ले देते, मेटल रिंग नीचे मेटल रेड ग्रीन, पहले एन टाइप की लेयर ब्रोम करती सब्सट्रेट, फर्स्ट एन टाइप लेयर इज ग्रोन फ्रॉम द सब्सट्रेट, एन टाइप लेयर इज ग्रोन ऑन द सब्सट्रेट। सब्सट्रेट मतलब जो सब्सटेंस, उस पर आपने एन टाइप की लेयर फैला, then p-type layer is deposited by the first layer. p-type layer is deposited by the process of diffusion. P-type layer is deposited by the process of diffusion. Metal contact made at the outer edge of P-type. ये जो देखिए मेटल कॉन्टैक्ट बनाते हैं एट द आउटर एज ऑफ पी टाइप, मेटल कॉन्टैक्ट मेड एट द आउटर एरिया, एट मोर अपर सरफेस एंड मोर अपर सरफेस इज लेफ्ट फ्री। छोड़ देते हैं फ्री, छोड़ देते हैं लेफ्ट फ्री फॉर लाइट टू सी, फॉर लाइट टू सी,
for life to see. For life to see. More of our surface will be free for life to see. मेटल फिल्म लोअर एंड टाइप के लोअर पोर्शन पर कर देते हैं जो फॉर मेकिंग कैथोड कनेक्शन फॉर मेकिंग कैथोड कनेक्शन मेटल फिल्म metal film is coated at the bottom of symbol kaisa hai सिंबल कैसा है एलईडी का पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल पीएन जंक्शन डायोड का लाइट एमिट ये सिंबल में अंतर है एरो है लाइट की बड़ा टॉपिक है अगर सब्जेक्टिव होता तो लॉन्ग का क्वेश्चन अभी थर्ड ईयर में लॉन्ग में आया इसे फॉरवर्ड वाइज करके पी को देते हैं पॉजिटिव एल को देते हैं तो फॉरवर्ड इसका करैक्टरिस्टिक बनाते हैं भाई रिवर्स वाइज में पर इसका करैक्टरिस्टिक बनाते हैं करंट यहां पे जो ये एलईडी है ये देखो एलईडी है पीएन जंक्शन डायोड हर्षित पीएन जंक्शन डायोड कर दिया फॉरवर्ड वाइज पी को दे दिया पॉजिटिव एन को दे दिया ठीक है एलईडी आप देते ही दो टर्मिनल है तो वो ऐसे अरेंज है कि जो कनेक्शन करोगे प्लस माइनस का ठीक है रेड जो वायर होता है वायरिंग की जाती है तो रेड वायर आपका पॉजिटिव और ब्लैक वायर नेगेटिव ठीक है जो केबल आती है उस केबल में आप देखोगे दो एक रेड होता है एक ब्लैक ठीक है रेड आपके किसके लिए प्लस के लिए वही यहाँ पर कनेक्शन एक पी है एक है एन आपने पी को दे दिया पॉजिटिव एन को दे दिया निगेटिव पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइज पी टाइप के होल्स भी प्रयास करेंगे करेंगे एन टाइप के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेंगे होल पर सवाल होल भी ट्राई करेगा पर होल जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा उससे पहले इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा अब आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन समझ लो जो इंडिया का आर्मी मैन है होल पाकिस्तान और चाइना के आर्मी मैन 1972 के बाद मैथोनिक टेस्टिंग की विराट
1972 के बाद में इंडिया अपने यहीं पर बनाती थी, मतलब जो भी आर्मी वेपन्स होते हैं इंडिया ने अपने यहीं मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान का ही मैन्युफैक्चरिंग उसके यहाँ नहीं है, वो खरीदता है तो चाइना से वो। तो 1972 के बाद में पाकिस्तान के जो आर्मी मैन थे उनके पास बहुत अच्छी गने थी इनकम्परेटिवली इंडिया की, ठीक है, पर इंडियन आर्मी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसने पाकिस्तान के अंदर भी कुछ है और बहुत बड़ी संख्या 1 लाख के आसपास आर्मी मैन को गुलाम मतलब बंदर बना लिया, ठीक है, वो संधि भी तो छोड़ दी गई, 1 लाख, 1 लाख बहुत बड़ी बात। और जब इससे चाइना से वार हुई तो चाइना के वो इतने ही बड़े बड़े हैं और इंडियन आर्मी में जो सिख रेजिमेंट है उसके तो देखते हो हाइट 6-6 फीट, तो वो तब इंडिया के पास भी हथियार नहीं थे काहे देखे, क्योंकि इंडिया ने खरीदे नहीं हथियार, उसने अपने बनाए, ठीक है, तो उतने हथियार बन ही नहीं पा रहे हैं, तो तब भी इंडिया ने बराबर कर, तो इंडियन आर्मी के जो मैन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अपनी जलवायु होती है चाहे चाइना वाला हो चाहे पाकिस्तान, पाकिस्तान वाला हो सकता है हाइट में ज़्यादा पर वो वैसे कमजोर, इस समय पाकिस्तान वाले लड़ाई नहीं कर, गर्मी होती ना गर्मी में वहाँ पर जलवायु सर्दी के रहे सर्दी में वार करते हैं, आज समय का लड़ाई करा दी जाए तो वही सही हालत करा वही सही गिर गई, वो जैसे आप बता दें जो नॉर्थ है, नॉर्थ मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, आपका बिहार हो गया, ठीक है, यहाँ के लोग झारखंड हो गया, यहाँ के लोग जो आर्मी में जाते हैं वही स्ट्रॉन्ग, और पंजाब के, वहाँ से आगे चलोगे आप जैसे कश्मीर में, कश्मीर का आदमी कमज़ोर है उसमें उतनी वो ही पाकिस्तान की स्थिति, तो तुम्हें भले कश्मीर का आदमी 6 फुट है पर अच्छे उसको पटक, ये अपने यहाँ की जलवायु बॉडी स्ट्रक्चर, आप साउथ इंडियन वाले पर इसको भारी पड़ो, चावल खा खा के कमज़ोर हो जाते, तो यहाँ पर पी टाइप के होल्स एन टाइप के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पर इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा होल पर, होल इलेक्ट्रॉन का फॉल नहीं करता क्योंकि होल की मोबिलिटी कम होती है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। अब ये इधर जा रहे हैं एक फॉरवर्ड वाइज करने, फॉरवर्ड वाइज और लाइट एमिट हो रही है तो कर्व इन्होंने प्लॉट किया है, फॉरवर्ड बाइस करंट और पावर ऑफ इमिटेड लाइट, ये कर्व है पावर ऑफ इमिटेड, अमाउंट ऑफ पावर फॉरवर्ड करंट, अमाउंट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉरवर्ड करंट की तरह एलईडी लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगी जब रिवर्स वाइज, एलईडी डज नॉट प्रोड्यूस अ लाइट व्हेन रिवर्स, LED does not produce light. LED does not produce light. Light.
एक बगलर अलार्म सिस्टम, उसमें इंफ्रारेड एलईडी, क्या यूज होती है? इंफ्रारेड इंफ्रारेड जो इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस करे वो इंफ्रारेड एलईडी का उपयोग एलईडी यूजेस इन वॉचेस कैलकुलेटर इंस्ट्रूमेंट पैनल टेलीफोन स्विच बोर्ड में इसका एलईडी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज करें। जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें एलईडी का ही उपयोग है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इंफ्रा रेड एलईडी इधर पोटेंशियल 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 फॉर ऑप्टिकल फाइबर तो इंफ्रारेड एलईडी दे पोटेंशियल सोर्स इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इंफ्रारेड एलईडी दे पोटेंशियल सोर्स इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो ये कम्युनिकेशन है जो आज की डेट में वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन में दिक्कत तभी आती है जब ब्रेड नहीं होता, पता चला जैसे आपकी अमेरिका मिला रहा नहीं मिल तो कहीं ना कहीं इनके जो पाइप है वो ब्रेक हो गए ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इंफ्रारेड एलईडी पोटेंशियल सोर्स की तरह कार्य करता है। एलईडी बहुत तेजी से कैथोड रे ट्यूब को रिप्लेस करता है सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट फिजिक्स फिजिक्स एलईडी रिप्लेसिंग द सीआर कैथोड रे एलईडी रिप्लेस कर रहा है कैथोड रे एलईडी ऑपरेट हो जाता है लो वोल्टेज पर एलईडी ऑपरेट ऑन लो वोल्टेज पर 1 to 2 डिवाइस छोटी होती है ठीक है। यहां पर 1 to 2 volts के बीच में लो करंट इसकी होती है लो करंट 5 to 10 volts कंज्यूम करता है मच लेस पावर एलईडी कंज्यूम करेगा बहुत कम।
karma. And if we consume, math the class hai? Much less power. बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, कंज्यूम मच लेस पावर। इसमें एलईडी रिक्वायर नो हीटिंग, कोई हीटिंग की आवश्यकता नहीं, नो वार्म अप टाइम, कोई वार्म अप टाइम नहीं चाहिए, वेरी फास्ट एक्शन है एंड वेरी फास्ट, बहुत फास्ट, no heating, no warm up time and very fast. LED को switched on and off कर सकते हैं fast switched on and off at a fast. Very small in size and light, very small in size and light in weight. स्मॉल साइज है, एक्सट्रीमली लॉन्ग वर्किंग लाइफ, मोर देन 20 इयर्स लॉन्ग वर्किंग लाइफ, लॉन्ग वर्किंग लाइफ, वर्किंग लाइफ, बहुत लॉन्ग वर्किंग लाइफ, मोर देन 20 इयर्स. अब एलईडी सही नहीं बन रही है, ये एक एक साल में ट्यूबलाइट खराब हो जाती है, गलत है, इनकी 20 साल तक खराबी नहीं होनी चाहिए. इस तरह ही बनाए जाते, देखते थे पहले आ रहा था मोबाइल में टार्च लगी रहती थी, एलईडी होती खराबी नहीं होती. अब ये एलईडी बन नहीं सही तरह, नहीं तो एलईडी के फॉर्मेशन में ये लगभग 20 साल की हीटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है, डॉपिंग प्रॉपर नहीं, प्रॉपर वे में पी टाइप एन टाइप बन नहीं पा रहा, तो इसलिए वो टाइम इनका लाइफ टाइम कम हो गया. हम देख रहे हैं ना एलईडी हम लगाते हैं एक साल दो साल दो साल में खराब हो गया, पर एलईडी अगर सही तरीके का बना है तो उसकी लाइफ टाइम 20 इयर्स का. अब देखिए पॉइंट कॉन्टैक्ट, पॉइंट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट. पीएन जंक्शन डायोड हायर फ्रीक्वेंसीज पर यूजफुल नहीं, पीएन जंक्शन is not useful, useful, not useful at higher frequency, at a higher frequency, gigahertz.
गीगाहर्ट्ज़, इसमें इंटरनल कैपेसिटेंस होगा, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, एक बजे ये क्लास एलईडी की कर दे।